दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम विशेष में विशेष प्रसंग में विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित होते रहे। एखुनका विशेष प्रसंग चुनाव आगामी अगहन 4 गते होबे जा रहल देश के भविष्य निर्धारण करे वाला मानल जाए वाला जे कि एक शक्ति केन्द्र के स्थापना करे छे प्रतिनिधि सभा के आ प्रदेश सभा के दुनू के निर्वाचन होबे जा रहल छे। एमे देश के संपूर्ण क्षेत्र सब में चाहे प्रतिनिधि सभा हो चाहे प्रदेश सभा हो ओहिमे विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवार सब स्वतंत्र उम्मीदवार सब कतेक ठाम में बागी उम्मीदवार सब अपन अपन हिसाब से तैयारी कर रहल छथि प्रतिस्पर्धा में छथि। आई बात करब हम सब धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 जे प्राचीन मिथिला के राजधानी आ एखनुक मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम सेहो पड़े छै क्षेत्र में आ बहुत चर्चा में छै ई क्षेत्र। एत नेकपा एमाले आ जसपा गठबंधन से नेकपा एमाले के उम्मीदवार जूली महतो जी उम्मीदवार छथिन। तहिना सत्ताधारी जकरा वाम लोकतांत्रिक गठबंधन कहल गेल छै ओहि गठबंधन से लोसपा के भाग में पड़ल छै अनिल कुमार झा जी उम्मीदवार छथिन। तहिना जनमत पार्टी सेहो तय उम्मीदवार खार कयने छै। एगोटे जेनून व्यक्ति जे क्षेत्र के वासी छथि नगरायन नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 गंगुली में हिनकर घर छनि। पेशा से इंजीनियर छथिन आ जनमत पार्टी के जे एकटा भातृ संगठन कही गैर आवासीय मधेशी संघ के अंतर्राष्ट्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष छथिन। यानी कि अइ संगठन से अपन राजनीतिक यात्रा के शुरुआत कयने छथिन। शंभुनाथ शाहजी उम्मीदवार छथि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा में हुनका संगे बातचीत करब। अपने के स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूरण जी। निर्वाचन के तैयारी में छी अइ बीच में दीपावली छै छठ छै कतेक रमझम छै चुनाव के अखन। सबसे पहले देश विदेश में रह वाला सब गोटे में बीतल दशहरा आवे वाला और आई तो धनतेरस छै काल के दिवाली छठ सामा चकेबा के ढेर सारे शुभकामना तथा उत्तर उत्तर प्रगति के कामना करै छी। अपने के सबसे पहिलका सवाल हम पूछब एत हैवीवेट प्रतिस्पर्धा भ रहल छै जसपा के शीर्ष नेता एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य पूर्व मंत्री आ लोसपा के सेहो शीर्ष नेता छथिन आ पूर्व मंत्री छथिन। हमरा जसपा कहा गेल लोसपा के शीर्ष नेता आ पूर्व मंत्री दूटा पूर्व मंत्री के बीच में अपने चुनाव लड़ल छी की छै संभावना अपने के। देखियौ संभावना बहुत नीक छै के लागि तऽ अभी के जमाना है अभी के समय है टेक्नोलॉजी के और युवा के। हम ई बुझै छियै कि हम एकटा युवा छी विदेश के विभिन्न देश में काम कयने छी और हमरा लए एकटा विजन है ओहि विजन के और डॉक्टर सी के राउत के नेतृत्व छै ओहि नेतृत्व के लऽ कऽ हम सब जे मधेश में जे सालों से जे समस्या है जे देखबै तऽ मधेश समस्या से जकरल है ओहिसँ हम सब मधेसी जनता के पार लगाबऽ चाहे छी। खास कर के देखबै तऽ धनुषा जिला जे एक समय के विद्वान के जिला रहै एहिठाम के जे शिक्षक सब डॉक्टर सब बाहर में जा जाकर पढ़ाबै आइ ओहिठाम एहि जनकपुर के हालत देखियौ कि पूरा शिक्षा तो पूरा बरबर हबे करे स्वास्थ्य के स्थिति जन्मे करे छी और देखल जाए तो मधेश प्रदेश के जे साक्षरता दर जे है 50% से कम है जे कि अपना सब कहे छी कर्णाली जे सबसे अविकसित प्रदेश है ओकरो अहाँ के 62% तो बुझ लियो कि हम अहाँ शिक्षा क्षेत्र में कर्णालियो से पछाड़ी छी। तो स्वास्थ्य के देखबे के लिए बेरोजगारी देखियौ तो दैनिक अहाँ के एहिठाम से हजारों युवा विदेश जा पड़ी है। खास कर धनुषा तो देखबे कि नंबर 1 पे है नेपाले भरि में विदेश रोजगार में जाए वाला सबसे धनुषा जिला नंबर 1 है। काल्हि हम एक चीज कहे छी कि कतार से एक लाश के हम सब ओकरा उद्धार कर के काल्हि व्यवस्थापन के लिए वह हमारे पड़ोसिये पड़े छै खिखरिया के। तो एहिठाम से हजारों हजार युवा सब विदेश जाए छै और वही वही के हिसाब से कि डेली देखबे तो 10-15 बाके सब बंद भ के लाशो अबै
तो जे अहाँ कहलिए कि पूर्व मंत्री पूर्व सांसद अगर उ सब जे हुनका सब लग विजन रहते हुनका सब लग काम करके एक टा जे अठोट रहते तो आई मधेसी सबके ई हालत नहीं रहते। ताहि दुआरे हमरा पास विजन छै हमरा पास डॉक्टर सिकरत के नेतृत्व छै और हम सब मधेसी जनता के सेवा में आयल छिए निस्वार्थ भावना से और हम सब जे मधेसी के उद्धार करबे से हम सब एक टा पूरा एक टा अंतरात्मा से हम सब एक टा कन्फर्म छी। अपने बहुत संवेदनशील बात उठेलिए अपने सबके जे आबद्धता छै गैर आवासीय मधेसी संघ अपने ओकर पूर्व अध्यक्ष रहि चुकल आदमी छिए अपने सब वास्तव में हमू सब टेलीविजन से समाचार से प्रसारण करित रहै छी अपने सब बेर बेर चाहे धनुषा के होय चाहे मधेस के वा तराई मधेस के कतौ के युवा सबके जखन दुखद निधन भऽ जाइ छै विदेश में तो अपने सब लाश लाइब दै छियै एक तऽ ओ क्षति सबसे बड़का पीड़ा आ कमती में लाश लाइब दऽ कऽ दुख के समय में वही संवेदनशील समय में अपने सब साथ दै छियै जनता के वास्तव में कनि ई विषय हम उठाबऽ चाहब ओत की होइ छै जे अपने सबके ओहिमे लागऽ पड़ै छै ओहि लेल राजदूत रहै छै राजदूतावास रहै छै कूटनीतिक निकाय रहै छै प्रशासन छै ओ सब नहि आन सकै छै कि छै। जी जी बहुत संदर्भिक अहाँ क्वेश्चन उठेलिए अपना देश के स्थिति देश में जेहना छै विदेशों में एम्बेसी के ओहने हालत छै कभी कहत कि कर्मचारी के क्राइसिस अभाव है एम्बेसी एम्बेसडर देखते हुए कि जेहने सरकार चेंज भेल तेने तो वही एम्बेसडरो चेंज भेल तो ओहो ठाम ओहने बिजोग छै विदेशों में अहाँ कहबै कि एहिठाम विदेश में जे एम्बेसी सब बढ़िया होते ओकरो ओहने हालत छै और कतार के मात्र बात करबै तो ओहिठाम 5 लाख नेपाली ओहिठाम काम करै छै ताहिमे करीब करीब अहाँके 2.5-3 लाख मधेसी होते और मृत्यु देखबै तऽ अहाँके विभिन्न कारण से होइ छै मृत्यु वाला तऽ एकटा हबे करे जे हमसब सबके व्यवस्थापन करै छियै एहिठाम ला दै छी कि अपना सबके समाज में मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति देश में होइ या विदेश में अगर मृत्यु भेला के बाद में परिवार के की स्थिति होइ छै तऽ हमरा सबके ई रहैय कि दोसर चीज तऽ बाद में होते पहले बॉडी के भेजल जाए ताकि हुनका परिवार में एकटा संतुष्टि होय और परिवार में एकटा स्टेबिलिटी कमती में मुंह देखा पावे मुंह देखा पावे और तकर बाद में धीरे धीरे ओकर पारिवारिक जे जिंदगी है वो फिर से रीएस्टेब्लिश होय ओहि के बाद बादो जे हुनका सबके जे फैसिलिटी मिलक चाही इंश्योरेंस होय छै बाकी सैलरी होय छै ओहु में हम सब काम करै छी हुनका सबके एम्बेसी से समन्वय कऽ कऽ ओहिठाम के जे निकाय छै हुनका से समन्वय कऽ कऽ कहियो काल कोर्टो में जाकर हम सब बात करै छी और हुनका सबके जे फैसिलिटी मिलक चाही ओ फैसिलिटी प्रोवाइड करै छी। ओहि के अलावा जे गैर आवासीय मधेसी संघ के विदेश में 40 टा देश में संगठन छै यूरोप अमेरिका सऊदी कतार मलेशिया सब मिलाकर और सब जगह आइ काल्हि जेना दिवाली छै तऽ देखबै कि एहि संगठन के मार्फत हरेक जगह पर दिवाली के आयोजन कयल जेतै ताकि जे भी एहिठाम के नागरिक विदेश में गेल छै हुनका सबके विदेशों में अपन देश के अनुभव होय जेना दिवाली भेलै छठि भेलै ईद भेलै बकरीद भेलै अपना सबके एकाह होय हरेक चीज हम सब ओहिठाम गैर आवासीय मधेसी संघ डॉक्टर सिके राउत के नेतृत्व के जे संगठन छै भातृ संगठन हम सब आयोजन करै छी और ओहि में ताकि हुनका सबके विदेशों में एकलापन फील नहि होय बुझाय कि हम सब समाज में छी मतलब एहन संगठन अहाँ सब बनेने छियै जे एतय के युवा सबके एतय के बच्चा सबके ई बुझाय जे हम सब एकटा संगठन से आबद्ध छी है ना सब आदमी एक छी ताकि घर परिवार में छी मिला के रखने छी सब आदमी जी, जी, जी। अच्छा अत्ते केला के बाद अपने के पार्टी तो हम खास में मधेश में अत्ते पछाड़ी केला है स्थानीय चुनाव सबके देखियो अहाँ तो एकदम दुख में साथ दै छी नहीं तो विदेश जनाई अपने आप में दुख ओत निधन होनाई वज्रपात तेकर बाद लाश के लेल तरसनाई ओ तो पीड़ा भेले जी आ वही में अपने सब आबद्ध छी सक्रिय छी तैयो एहन अवस्था केला छी पार्टी के नहीं पार्टी के अवस्था तो बहुत बढ़िया है देखियो लास्ट जो चुनाव छलिए फर्स्ट चुनाव रहे आ वो स्थानीय चुनाव छलिए स्थानीय चुनाव में की होइ छै कि हरेक पार्टी के 5 टा उम्मीदवार और एक टा गांव में देखबे तो 10 टा अगर पार्टी है तो 50 टा तो उम्मीदवार भ गेलै
तो ओहिमे की होइ छै अहाँके भाई भतीजा मामा काका पड़ोसी अड़ोसी के नातेदार सब में एकटा परिवार सब बहुत बहुत बार रहै छै। हाँ तो ई हमरा विचार से तो ई जे स्थानीय चुनाव तो कोनो पार्टी से नहीं होबक चाहिए, लेकिन अगर नेपाल में ई संविधान में अगर ई राइट देने हैं तो ठीक है, तो स्थानीय चुनाव वही हिसाब से गेलै। अइ चुनाव में अहाँ देखबे कि जनमत पार्टी मधेश में तो सरकार बनेबे करते, संसद में हमरा सबके बढ़िया उपस्थित रहते। अहाँ अगर कोनो गांव में चल जाओ आ कोनो अगर विदेश में रहै छै हुनका पूछियो कि बौआ घर सब पापा के विदेश से फोन आयल छलो, या तो अगर हुनकर पति छै तो हुनका पूछियो कि अहाँ के पति के फोन आयल छलो विदेश से कोन पार्टी में वोट दिए कहे, तो सिर्फ एकटा पार्टी के नाम लेत हरन साहब डॉक्टर सी के राउत के। अवस्था छै। अच्छा एखन अपने क्षेत्र में जाय छियै तऽ लोक सब की कहि के वोट मांगे छै से कहल जाउ। हम सब जे जाय छियै तऽ हम सब कहै छियै कि हम सब सामुदायिक स्वराज लेबै। सामुदायिक स्वराज जे मतलब जनता के बुझाए कि हमर राज है, जहिया ई नहि फील होय कि एहिठाम कर्मचारी या कोनो पार्टी या कोनो राजनीति दल के शासन है, राज है, जी एहन अनुभूति नहि होय, ओ हम सब कहै छियै। आओर हमरा सबके एजेंडो उहे छै। दोसर एजेंडा छै 10 लाख युवा के रोजगारी, जै के ई हमरा सबके एकटा सबसँ प्रमुख एजेंडा छै। एहि लागि कि हम सब खुद 10-12 साल विदेश में काम करने से पीड़ा देखने से, और एहिठाम के लड़का सब युवा सब एहिठाम में जॉब नहीं भेला के कारण से इवन पढ़ल लिखल इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट, देखियो मधेश के साइंटिस्ट सब विदेश में जाकर अहाँके अमेरिका में जाकर युवा साइंटिस्ट पुरस्कार पवे छै, बहुत सारा जगह पर अहाँके बढ़िया बढ़िया डॉक्टर छै, कतेक त जाय छै अमेरिका में यूरोप में ऑपरेशन करा लागि नेपाली सब, अबे जाके देखै छै डॉक्टर नेपाली है, अहिए के प्रोडक्ट। तो ई एकटा विडम्बना है कि हम अहाँ जे एहिठाम के टैलेंट है, जे एहिठाम के स्किल्ड वर्कर कहियो या तो इंजीनियर डॉक्टर कहियो या साइंटिस्ट कहियो, हम एहिठाम ओकरा व्यवस्थित नहि कर सकै छियै, ताहि दुआरे हुनका सबके विदेश जाय पड़ी है। जनमत पार्टी अगर सरकार में अभी है तो हम सब सबसे पहले एहिठाम रोजगारी के सृजना करबे, और आसान है रोजगारी के सृजना करनाय। अहाँ देखियो कि हरेक पालिका में कि जतेक बजट मिली छै ओहि के 30-40% नहीं खर्च कर सके, मान लिया अगर 40% खर्च कर सकलकै बाकी के 60% से एहिठाम जे साना उद्योग मझौला उद्योग या तो मेगा उद्योग सब खड़ा कऽ सकैए, ओहिमे अहाँ देखबै तऽ हजारों युवा के ओहिठाम व्यवस्थापन कऽ सकैए। जे युवा देखबै कि विदेश में जाकर सऊदी कतार के विकसित बना देलकै, धनिक बना देलकै, ओहिठाम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बना देलकै, एहिठाम के इंजीनियर, एहिठाम के टेक्नीशियन, और अपन देश दिन दिन कंगाल भेल जाय। अच्छा जी, तऽ सेकेंड में हम सब जे एहिठाम के युवा, अच्छा ई बात सब जे बुझबै छियै क्षेत्र में तऽ कतेक प्रतिशत लोक बुझाय अपने की बात बुझैत हेतै, किएक तऽ बुझनाय जरूरी छै ने, अपने की कहि रहल छी जनता के, ओ अपने के बात बुझबला लोक सब वा केहन प्रतिक्रिया आबै छै? नहीं नहीं बहुत बढ़िया, आप बुझे से पहले नहीं बुझे छलिए, आप देखबे तो धीरे धीरे जना जे युवा सब विदेश गेल है तो विदेश के डेवलपमेंट देखने है, विदेश में जे काम कने ओ तकलीफ देखने है, तब हुनको सबके फील भ रहल है कि अगर हम विदेश में 50,000 कमाई छी तो ये हमरा 30,000 मिलित तो अपना बाल बच्चा परिवार जुड़े रहती, एहिठाम के जे अपन घर अपने बनाबे के हमरा मौका मिलित, तो हुनका सबके फील भ रहल है कि एहन एहिठाम शासन प्रणाली अतै, एहन कोई व्यक्ति अतै डॉक्टर सी के राउत के नेतृत्व अतै ताकि हमरा सबके एहिठाम व्यवस्थित कऽ सके, हमरा सबके एहिठाम रोजगार दऽ सके, और हम सब एहिठाम अपना परिवार माय बाबू के साथ बच्चा के साथ रहि सकी, और हुनकर जे बाबू माय रहे हुनका से बात करबै तऽ कहैत रहै छै बौआ कि हम सब ई चाहै छी कि मरखनी में हम अपना बेटा या पोता के साथ देख कर हुनका सामने में मरी, ताकि बूढ़ में एक गिलास पानी चाहिए तो हमरा पानी पिया सके, हमरा सबके ओहन नसीब नहीं होइए। ताहि दुआरे
अहाँ सब बहुत बढ़िया काम करै छियै, विदेशों में अहाँ सब सेवा करै छियै, देशों में सेवा करै छियै, तो एकटा जनमते पार्टी हम देखै छियै से देश से लकर विदेश तक छै, तो अहाँ सब बहुत बढ़िया कार्य काम करै छियै और सब आशीर्वाद दै छै कि एहि बार अहाँ के जीत सुनिश्चित है। ई तऽ भेलै अपने अपन तर्क रखै छी जे हम ई करब, अपने के जीत के आधार सब जै पर अहाँ चुनाव लड़ल छियै किछु तऽ सोचने हेबै जे हम एहि कारण सँ जीत सकै छी, ओ की छै? पार्टी के तो अपन एजेंडा छीते छे, हमर पर्सनल जे एजेंडा कहबे तो सालों से हम एक जे 11वां मधी संघ से जुड़ल छे, करीब 2014 में हम एक सदस्यता ले लिए और 2017 में कोषा अध्यक्ष भेलिए, तकर बाद में दू बाजी कतार के अध्यक्ष भेलिए, तकर बाद में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भेलिए, तो खास करके देखबे तो विदेश में रह वाला युवा सब में हम बहुत लोकप्रिय छी और उस सब जे एठम रिटर्न आयल है जे हमरा 5-7 साल पहले देखी आई देखी तो पूरा गला लगबही एकदम खुशी से कि तू तो विदेश में करबे के लो और हमरा सब पूरा विश्वास है कि आब तू देशों में करबो हो, तो एक हमार ई आधार है कि जे युवा सब है जे सब विदेश के दुख पहने हैं तो उ सब हमरा पूरा सपोर्ट में है और उ सब दिल जान से घूम रहा है, जहाँ देखबे कि दोसर पार्टी पैसा दारू भत्ता दक लगे है हमरा सबके कार्यक्रम में देखबे तो फ्री में रही, केकरो हम सब पानी तक नहीं पीबे से, इवन पानियो पी तो अपना खरीद के पिए या तो कल पर पिए। दोसर जे अभी विदेश में है हुनका सबके अहाँ देखबे कि एकदम सब एक्टिव है और सब चाहे कि जनमत पार्टी जीते और इंजीनियर समूहनाथ जीते, पूरा पैनल जीते, वो सब कह रहा है। दोसर कि हम अहूठाम सामाजिक सेवा सब में लागल छलिए, जना अपने देखबे कि जे गंगा आरती होइए, गंगा आरती जे में हम एक बाजी पुगल रही करीब 5-7 साल पहले और ओहिठाम पता चलल कि एहिठाम चोरी होइ छै, पर्स निकालि लेलक, विभिन्न टाइप के जे समस्या होइ छै, तऽ हम तुरंत ओहिठाम CCTV हम लगवा देने छी, अभियो देखबै CCTV ओहिठाम होते अपने के सहयोग छै, हम प्रशासन सहयोग सँ जे कोनो संगठन के सहयोग सँ CCTV लगवा देलियै, वाईफाई लगा देलियै, एक साल के पेमेंट रही कऽ देने, अभी के स्थिति तऽ नहि कहब केना है, लेकिन ओहि टाइम में बढ़िया काम करे, इवन लाइव सब चले। ओहिके अलावा जे गाँव घर में अहाँ देखबे कि कोरोना के समय में बहुत सारा सहयोग कैल गेल रहे, अगर आग लगी भ जाए छलिए गर्मी में जब अपना सबके भ जाए छे तो ओहिमे अहाँके हमरा थ्रू 11वां मधेश संघ के थ्रू बहुत सारा एहिठाम सहयोग भेटे छे। ओहिके अलावा जे बाढ़ी पीड़ित सब में देखित होबे कि एकटा एहिठाम संगठने छे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ओकरा थ्रू हम सब बहुत सारा सहयोग करे छी, तो युवा में हम बहुत प्रख्यात छे, गाँव घर में महिला सब से हुनको सब में और ओहिठाम के जे बुजुर्ग सब में धीरे धीरे हमर प्रभाव और हुनका हमर जे परिचय से नाम सुनने से कहीं ना कहीं अपने ही सब जे न्यूज़ दै छियै कि हाँ इंजीनियर शम्भुनाथ शाह के सहयोग से फना देश में लाश भेलिए, तो सब शम्भुनाथ शाह जाने छे लेकिन शम्भुनाथ शाह केहन छे उस नहीं देखने छलिए, जब घर दूर में घर घर जाए छे शुभकामना दिए जाए छे छठ के दिवाली के तो सब देखे छे तो बड़ा खुशी होइ छे और आशीर्वाद सेहो दै छे। अपना ई क्षेत्र के वासी सेहो छिए, अखन धनसार निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में दुईटा उम्मीदवार बीच प्रतिस्पर्धा छै, दुईटा उम्मीदवार टक्कर में छै, से बात आबि रहल छै, एकरा कतेक अपने स्वीकार करै छी? हम एकरा स्वीकार नहि करै छी, अगर देखबै तऽ 3 नंबर धनसा क्षेत्र नंबर 3 में एकटा हम सिंगल उम्मीदवार छियै जे अही माइक पैन में जन्मल पढ़ल बढ़ल, अही गंगली और नगरायन स्कूल से पढ़ल और अहिठाम के माटि पानिमे हुरकल एकटा सिंगल कैंडिडेट छी, बाँकी जतेक कैंडिडेट है सब आयातित कयल गेल छै, सब अहाँके इम्पोर्ट कयल गेल छै, अहाँ एक सिंग कोनो एहन कैंडिडेट नहि छै एहिठाम जे हमरा बाहेक जे अहिठाम के छै, ताहि दुआरे जे सबसे हम इहो आग्रह करबै एक मिनट के लागि कि मानि लिअ कोई भी कैंडिडेट पहले ही चाहते कि हम अपन घर बनाबी, जना हम ही छे हम शुरुआत के लिए अपना जन्मस्थल से अपना क्षेत्र से सब वो नहीं तो करते होते और अपना क्षेत्र से शुरू कैने होते वो कैंडिडेट सब और ओहिठाम जितलो होते मंत्रियों भेल होते लेकिन जनता के मुताबिक काम नहीं कर सकल के और हुनका ही बुझल कि ओ जनता तो बुझ गए कि हम
भ्रष्टाचारी छे और एठाम के जनता के सेवा नहीं कर सकलिए तो ई बाजे हमरा वोट नहीं मिलल तो की कल स्थान परिवर्तन कल दोसर क्षेत्र में चल गए ओहूठाम जीत गए अहो अब अहू ओहने भ गए इसब एक कथी कहे ठग कहियो या एक जनता के लोभ लालच दक अपन स्थान परिवर्तन करत गल लेकिन हम इ दावा के साथ कहे छे कि जनमत पार्टी और हम सब अगर जीते छे तो एठाम समाज में बहुत परिवर्तन हेतु हमरा सब ले एक रोड मैप है विकास कर के और जनमत पार्टी में देखबे तो युवा और साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर के मतलब बहुत ही में लागल छे देश से लग विदेश तक और अगर हम सब जे जीते छे और जितबे करबे तो मधेश के कल्याण होते से हम सब बहुत आशा रखने छे और अपेक्षा रखने छे। अपने शिक्षा से पेशा से इंजीनियर हमरा बुझाय बहुत कम फरक क्षमता के उम्मीदवार होते अपने फरक क्षमता के उम्मीदवार से छी हम कनिक विचार के लिए अपने पैर से कनिक कमजोर छी ई बात सब बुझे छे कि जनता नहीं बुझे छे हमहू जब पढ़ लिख के इंजीनियर भ गेली नेपाल में ट्राई नहीं कैली से बात नहीं बहुत सारा जगह ट्राई कैली जॉब के लागे इवन हमर बाबूजी सब विभिन्न पार्टी में लागल है बाबूजे कहथिन कि ओ फन्ना बाबू लो जो फन्ना चिन्ना बाबू लो जो कते बाबू लो तो दूधो बोल के गेली ते हम भैंसी रहे तो दूध लगे जी कि सर अहि लोभ से किछ भ जाए हां कि भाई नौकरी उकरी लाग गेल जब देखली दो तीन साल नौकरी नहीं लागे वाला भेले विदेश जाए पड़ल जबकि हमर भाई जी पहले इंडिया में छलखिन तो हुनका लेटर लिखिए कि हम सब जहाँ 10 में रही थे एक कथा पढ़िए देखने रही कि एक गागरो में एक मुठ्ठी पानी कसो न अटौला तो अपना भाई जी के चिट्ठी लिखिए कि अय अति नेपाली रह रहा है तुम एक आदमी नहीं रह सके छो रिटर्न आब एठाम एठाम कुछ कर के लेकिन परिस्थिति एहन भ गेलै कि हमरा पढ़ लिख के खुद विदेश जाए पड़े और विदेश चिट्ठी लिखे वाला आदमी बाद में ई बुझलकै जे नेपाल में कतेक अभाव छै कतेक दुरावस्था छै जी 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 बड़ा तब विदेश गेल हेबे अपने जी जी बड़ा तकलीफ और दुख के साथ हमरा जाय पड़ल जाय के मन नहीं रहे लेकिन स्थिति एहन रहे कि एकदम पारिवारिक स्थिति कहियो फाइनेंशियली हम सब पूरा डिमोरलाइज रही भगल तो हमरा विदेश जाय पड़ल और विदेश में जाकर हम सरकारी जॉब हमरा भेट गया कतार में जाकर कतर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन कहरामा कह के छे जे श्रोता सब अपने सब कतार में छी आ जनित होबे कतार से एठाम आयल छी तो अपने जनित होबे कोई ठाम सरकारी इंजीनियर भक हम 10 साल सेवा करे के मौका मिलल जे हमर टैलेंट के नेपाल सरकार ने बुझा सकल के उ टैलेंट हमर कतार के सरकार बुझल के और हमरा 10 साल सेवा करे के मौका मिलले और सेवा करत करत जब डॉक्टर साहब अमेरिका छोड़ल के और हमरा राजनीति में आब के जे मेन कारण कहबे डॉक्टर साहब छथिन जे उ हमरा सब के हॉट में एक कही ने दिया बाढ़ दल के कि नहीं अ विदेश में कतबाई बढ़िया भ जेबे कतबाई कुछ कर लेबे तो एठाम के जनता के लागी कौन फायदा की भेल ओकरा ओइसे कुछ मिला वाला जी, जी। अपना देश में जाकर कुछ करबे तब न भेले तो डॉक्टर साहब जब करोड़ों के नौकरी छोड़ के एठाम आ सके तो हम सब 2-4 लाख रुपया कमाए वाला केला ना सके छी तो ओइ सोच के हम सब जॉब के क्विट कर दिलिए और एठाम हम सब आहा सब के आइडल डॉक्टर सीके राउत एमे कोनो दुमत कोनो दुमत नै छै और हम सब डॉक्टर सीके राउत ही के आइडल पर राजनीति में आयल छियै और ओही हिसाब से हम सब काम भले ही अपने उम्मीदवार छी लेकिन तीन में तीन बेर अवश्य सोचित हेबे जे सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 में डॉक्टर साहब के की भ रहल छै की अवस्था छै अपने सब के विचार में अब ओले हैवी वेट प्रतिस्पर्धा दुट्टा आधिकारिक गठबंधन के बीच में अपने सब के पार्टी के अध्यक्ष एकल लड़ल छथिन कोनो गठबंधन नहीं कतेक संभावना बुझाइए अपने 100% एक जगह विजन है और एक जगह देखबे तो कथी कहबे जे मतलब जे कोन तरीका से एकरा लेल जाए विजन और एकरा विजन में और हुनका सब लग जे है जे विजनहीन कहूँ ना विजन और विजनहीन के बीच अभी ओठाम द्वंद्व चल रहा है और कभियो जे है असत्य और असत्य के बीच सेहो ओठाम लड़ाई कहूँ आ द्वंद्व है तो सत्य भले ही देर हो है लेकिन विजय निश्चित हो है भले ही अभी देखा रहा होते कि हाव भाव
कला तो सब तो भ्रष्टाचार के नहीं, दुनिया के पैसा लूटने हैं, जनता के हरेक जगह तरसेने हैं, तो बुझाए। लेकिन अंत में जीत डॉक्टर सी के राउत के होते, अहाँ देखबे अभी माहौल पूरा चेंज भ गेलै कि पूरा सी के राउत में है ओहिठाम। अपने से मीडिया कर्मी छी, अपने से पता कर लेबे कि डॉक्टर सी के राउत के जीत निश्चित है। और डॉक्टर साहब के नहीं, ओहि के लागल बहुत सारा जे जनमत पार्टी के जे उम्मीदवार सब से सबके जीत सुनिश्चित छे। एकटा बात शम्भुनाथ जी, अपने मधेश के युवा, मधेश के समस्या बुझने, विदेश जाकर थप समझिया समस्या अपने बुझने छे मधेश के किछ होय। आई एकटा क्षेत्र से उपेंद्र यादव आ डॉक्टर सी के राव चुनाव लड़नाई मधेश के लेल एक किसिम से देखल जाए तो कतेक फायदा छे कि वा बेफायदा छे, अपने की बुझाया एकटा मधेशी युवा के नाता से? नहीं, बेफायदा छे, गलत है, गलत है। डॉक्टर साहब के उम्मीदवारी देखबे तो शुरुए में वो कन्फर्म कर दिल्क, कैल लगे तो हर जन्मस्थल से। और उपेंद्र जी के देखबे तो अभी तकली एक जगह से दू बाजी चुनाव कहीं नहीं लड़ल है। हिंकर हिस्ट्री देखबे तो अहाँ के स्थान परिवर्तन करते आ रहा है। तो डॉक्टर साहब के ई लगले कि हमर तो जन्म स्थल है, जना हमर जन्मस्थल 2003 छी तो हम यहाँ से लड़ल, तैं तो डॉक्टर साहब के तो पहलका जे ई होबक चाही कि हमरा अपना जगह से लड़के अपना माटि पानि से। और हुनका जब ई परिवर्तन करे के एकटा हुनकर जे सिलसिला रहे, उस सिलसिला के वो तोड़ के एकटा घमंडी पना देखलके कि हम सी के राउत के हरेबे। और हुनकर पसारी भ सके जे हिनकर जे ठगबंधन सब है से सब हुनका होते मतलब प्रेशर के, हाँ प्रेशर क के सी के राउत के हराब के, नहीं तो सी के राउत संसद में तो बवाल कर देते, भ्रष्टाचारी सबके साफ कर देते, ताहि हिसाब से होते ओकरा सबके भेजायल गेलै, नहीं तो ओना नहीं करते। और जते ठगबंधन सब बना के हुनका भेजल गेलै सी के राउत जी के टक्कर में, लेकिन एहि बाजी हुनका पता चल जाते कि सी के राउत के मतलब सी के राउत चुनाव जीत रहल छै से अपने कहै छी। श्योर श्योर, ओहिमे कोनो डाउट नहि छै, ओहिमे कोनो डाउट नहि छै, हमसब 100% कन्फर्म छी। धन से सब अपने विश्लेषण करै छी कि ओतऽ सब बुझि कऽ ई बात कहै छी? नहीं नहीं, हमरा सबके तऽ अब जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य एकटा भातृ संघ, अपने सबके पार्टी के विश्लेषण छी, जनता के विश्लेषण सेहो छै। जनता के हाँ एक बार जी सप्तरी में जाकर पता करियो, और ओहिठाम के कोई पत्रकार से हुनका सब पूछियो तो सब कह देत कि सी के राउत के पलड़ा बहुत भारी छै। इंजीनियर शम्भुनाथ शाह जी, जनकपुर धाम में एगोटे इंजीनियर के जनमत पार्टी सारा कपड़ा खोल कर थाल माइट पानी लगा कर नंगा कर घुमैने रहे, अपनहु एकटा इंजीनियर छे, भले ही अपने पार्टी में आबद्ध छे ते दुआरे नहीं बाजल हबे किछ, लेकिन देश के बहुत इंजीनियर एकरा खंडन केने रहे। ई एना छे, जनमत पार्टी में देखबे तो इंजीनियर डॉक्टर सब भरल छे, खुद हम खुद इंजीनियर छी, डॉक्टर साहब खुद इंजीनियर छलखिन, और हमरा पार्टी के शीर्ष नेता सब बहुत सारा इंजीनियर छी। तो ई कार्रवाई जनमत पार्टी जे कहने छै सबसे पहले वह गलत है, जनमत पार्टी ने कहने छै, ई जनता द्वारा कैल गेल छै। और जनता द्वारा जब कोई भी कोई भी यहाँ के नेता हो या तो सरकारी कर्मचारी हो या तो इंजीनियर हो, अगर गलती करबै बार बार गलती करबै, अहाँ के लेटर देला के बावजूदो गलती करबै, अहाँ के ध्यान आकर्षण कला के बावजूदो गलती करबै, तो एहन टाइप के कार्रवाई जनता कहने छै। तो जनता में जब कहने छै तो ओहिमे जनमत पार्टी के नाम हमरा ख्याल से लेना ये उचित नहीं छै। जनता द्वारा केकरो कार्रवाई कर सकैए, एहि के बाद में देखिए यहाँ बहुत सारा कार्रवाई भेलै, हमला जुमला में सेहो एकटा कर्मचारी के कैल गेलै, और भी बहुत सारा जगह कैल गेलै, तो जनता द्वारा कैल गेल कार्रवाई छलै, एहिमे जनमत पार्टी के खास कोनो हाथ नहीं छै। समय बहुत कम छै, अपने जनमत पार्टी के एकटा कैडर अखन उम्मीदवार, एहि बीच में की चर्चा अल, जनमत पार्टी केकरो बिगाड़ने नहि रहै, फ्रेश रहै, अपन परीक्षण करैत रहै, लेकिन समानुपातिक सूची जारी भेलै तऽ ई हल्ला चलल छै जे डॉक्टर सी के राउत भैया के अपन भौजी के समानुपातिक में नाम धऽ देने छै, तऽ दोसर पार्टी में एहि पार्टी में की फर्क भेलै से किसिम के हल्ला छै, अपने पार्टी के एकटा केंद्रीय सदस्य छियै, अपने की कहै छी खास में छै क्यों? अब देखियौ, अब जेना हम शाह छियै तऽ अहाँ जनकपुर में देखबै तऽ सब तऽ शाहे, अब किनको शाह के हमरा जो टिकट मिल गेलै तो अपने भाइये के टिकट तल के से तो नहीं भेलै, तो सब अहाँ के
जे गलत एक विपक्षी द्वारा प्रोपोगेंडा चलाएल गेल छे। और जहाँ तक डॉक्टर साहेब के भाई के बात छे, हुनको मालूम होत कि वो साइंटिस्ट छथिन और पार्टी में हुनकर बहुत योगदान छे, शुरुआते से योगदान छे। तो जब अगर दू भाई अगर काबिल छे, पार्टी प्रति वफादार छे, पार्टी के लागी काम करने से, सालों से काम करने से, तो में दू भाई उठ गए तो हमरा नहीं बुझाए कोनो बड़का बात छे। अहाँ देखियो कतौ कतौ देखबी तो दू भाई दूटा पार्टी में रहे छे। कांग्रेस में देखियो पांचों भाई, तीन भाई छे, तीनों भाई प्रधानमंत्री बनल लेकिन तो ई कोनो बड़का बात नहीं है। कैपेबल आदमी के पॉलिटिक्स में आवक चाहिए और डॉक्टर साहब दोनों भाई कैपेबल छे, ते द्वारे हुनका टिकट मिलल छे, एमे कोनो विवधान नहीं छे। और पार्टी द्वारा तय कक भेजल छे, विपक्षी तो अहाँके विभिन्न प्रोपोगेंडा सब निकालबे करते, पार्टी में तो कोनो विरोध नहीं है। तो पार्टी द्वारा एकरा तय कक दोनों भाई के, दोनों डॉक्टर साहब छथिन अपना अपना फील्ड के, दोनों के टिकट देल गेल छे आ दोनों सक्षम छे आ दोनों जितबे करते। अपने जो प्रतिनिधि सभा सांसद में निर्वाचित हो तो संसद में अपने के प्राथमिकता पूछल जाए तीन चार पाँचा तक की रहते? धन्यवाद ए क्वेश्चन के लगी। और जना हम कहलिए कि हमार फर्स्ट जो प्राथमिकता रहते जे सामुदायिक स्वराज लाबक लगे, जैमे हरेक जनता के ई अनुभूति होए कि हमार राज है, जनता का राज है, ई कर्मचारी तंत्र न है, नेता तंत्र न है और कोनो पार्टी तंत्र न है। दोसर जे जनकपुर में अहाँ देखबे कि अभियो समस्या से एठाम एकदम विकृति छे, एठाम सर सफाई के ओहने समस्या छे। हम सब तो विदेश में रहल छी और हम सब ई देखै छलिए कि मंदिर में जब अहाँ एंट्रेंस करबै तो ओहिठाम पूरा शौचालय के व्यवस्था रहै छै, ताकि हाथ पैर धो के आदमी फ्रेश भऽ कऽ मंदिर में पूजा करे। एहिठाम देखियौ जानकी मंदिर के स्थिति देखियौ, और भी जो मठ मंदिर सब है ओहने हालत है। और जनकपुर के एकटा टूरिस्ट के हब बना सकैए, ताहिमे हमरा सबके जे दोसर जे हमरा सबके जे मतलब एजेंडा रहते कि जनकपुर के टूरिस्ट हब बनाबी, एकरा स्वच्छता अभियान के और बढ़िया जगह ला कर जनकपुर के नीट एंड क्लीन कर के एक व्यवस्थित कर एक बढ़िया करे। तेसर 10 लाख युवा के रोजगारी जे हमरा सब के कही पार्टी के एजेंडा से ताकि हुनका सब के विदेश नहीं जा पड़े और ओहिठाम सब बक्सा में नहीं आव पड़े, हुनका सब ओहिठाम व्यवस्थापन कर के रहते। चौथा जे स्थानीय स्तर पर संघीय सरकार स्थानीय से लग संघीय स्तर तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनुभूति होए, ओहि पर हम सब काम करबे। तकर बाद में जे ILO 169 जे में ई कह रहल है कि जे भी मधेश के जे जल जमीन जे भी साधन स्रोत है अही के जनता के लागी उपयोग होबक चाही, ओहि पर हम सब एक मतलब संसद स्तर पे ही हम सब काम करबै। जी जी, ताकि एहिठाम के मधेश के जे भी नेचुरल रिसोर्सेज है ओहि पर कब्जा मधेसी के होबक चाही, ई सब हम सब काम करबै। ओहि के साथ साथ जे शिक्षा के लऽ कऽ हम सब बहुत चिंतित छी। देखियौ अभी के एहन जमाना भऽ गेलै, एहन समय चलि आयल है कि बेरोजगारी के वजह से जे बच्चा 10 पास नहीं करे है तभी से ओकरा ई माइंड में रहे कि कभी हम सब 17-18 साल के होए ताकि पासपोर्ट बनाबे और विदेश जाए। कते के तो 15 साल में कोनो जुगाड़ लागल, कोनो रहल सोर्स फोर्स, तब 17 साल बना कर और निकल गए, उम्र बढ़ा कर चली गए चली गए। और ओहिठाम गए तो मोसो नहीं भले अथवा आई टेक बच्चा केना चल अल ना बहुत सारा। तो विदेश एजुकेशन के जे स्तर है अपना सबके, जे मधेसी पहाड़ में जाकर पढ़वै छलिए आई पहाड़ी सब अहाँ के देखियो पहाड़वासी सब बढ़िया भ गेलै, ओकरा सबके जे साक्षरता प्रतिशत बढ़ गेलै और उ मधेसी सब आई पछाड़ी पड़ि गेलै। एकर मेन कारण है कि जे इसकुल सरकारी इसकुल सब रहे कॉलेज सब रहे ओकर स्तर उन्नति नहीं धराशायी भ गेलै। जेना देखियो कि राराबक कैंपस में तो अहाँ के देखियो विराटनगर से लग के बीरगंज के विद्यार्थी सब पढ़ाबे एक टाइम में,
और बढ़िया पढ़ाई हुई, शीर्ष नेता सब आई पर पास भेल छै, पास भेल छै। एहिठाम के प्रोडक्ट सब देश विदेश में अहाँके साइंटिस्ट से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, आई ओहि कॉलेज में देखियो कि हमरा नहीं बुझाए कि अभी के कोनो प्रोडक्ट ओहन कोनो बढ़िया कर सके। तेकर ई मेन है कि जे राजनीतिकरण नाता बाद जेना टीचरे से भेले तो ओहिमे की भेल कि चाहे प्राध्यापक से भेले सही टीचर प्राध्यापक सबके नहीं नहीं पहुँचनाइ कला तो ओहिमे नाता बाद रहै छै लागल, केकरो अपन भाई के भेजलक तो केकरो अपना जे नेता सब है अपन आसे पास के भेजलक, ओहिसे की भेल कि क्वालिफाइड जे सक्षम है वो व्यक्ति ओहि तक नहीं पहुँच सकलक। जेना मानि लिअ कि कोई आदमी मोटरसाइकिल चलाबै छै और ओकरा गाड़ी चलबे के कोनो अनुभव नहीं छै, अगर हुनका अहाँ गाड़ी चला वाला दे देबे तो की करते, एक्सीडेंट के अलावा दोसर कुछ नहीं कर सकते, तो वह समस्या छै कि क्वालिफाइड आदमी सब सही जगह पर नहीं पूछना है। वही के वजह से की भेल छै कि जते भी स्कूल कॉलेज सबके धराशाही भऽ गेलै और राजनीति के वजह से सेहो एकटा ही समस्या आयल छै। राजनीति में वही हालत भऽ गेलै कि अहाँ देखियो सालों साल से जे समांतवाद सब एहिठाम शासन तो चेंज भेलै, राणा कालीन गेलै, श्री तीन एलै, श्री पाँच एलै, प्रजातंत्र एलै, संघीय एलै, लेकिन देखबै तो व्यक्ति उहे रह गेलै कि जे राजतंत्र में पंच रहे या तो संसद रहे ओकरे बेटा पोता अभी देखबै तो संसद है या पंच है या ई है, तो समांतवाद खत्म नहीं भेलै। जेना राजा टाइम में देखबै राजा के बेटे राजा बनते चाहे वो सक्षम होय नहीं होय, चाहे भीजन है आ नहीं मतलब नहीं, लेकिन राजा तैं तो अभी वही हालत भ गेलै कि फन्ना बाबू के बाबू संसद छलखिन ना तो हुनके बेटा संसद बनक चाहिए, तेहन टाइप के मेंटालिटी है चाहे वो भीजन होय, तो एकरा अंत करय पड़ते। जना देखियो काठमांडू में आई बालन आयल है तो एक युवा है पढ़ल लिखल है तो ओहिठाम कुछ देखाई दे रहा है, काम तो भ रहा है, जनता सब ओकरा पछाड़ी है, तेनाहिते एहिठाम के जनता से हम आग्रह करबै कि अहाँ के बालन सन नेता चाहिए तो काठमांडू सन जनता सेहो बनो पड़त। काठमांडू सन जनता नहीं बनबै, लोभ लालच करबै, एक दिन के मुर्गा पाँच साल तक अहाँ सबके मुर्गा बना सके, तै दुआरे लोभ लालच पर नहीं पढ़ के सही कैंडिडेट जकरा पास विजन है, जकरा पास अनुभव है, हुनका सबके अमूल्य मत दियो और खरीद बिक्री करला जे अबैय हुनका सबके भगाओ ओहिठाम से, कला कि अहाँ के एकटा जे मौलिक अधिकार देने है अधिकार के अहाँ के खरीदा रहल है हुनका सबके बहिष्कार करू और सही नेतृत्व के चयन करू ताकि अहाँ सबके बाल बच्चा के, धियापुता के, अपने के पति के, अपने के देवर के, अपने के बाबू के विदेश नहीं जाए पड़े, हुनका सबके ओहिठाम रोजगार मिले और अहाँ सबके साथ एकटा सामाजिक पारिवारिक जीवन बिता सके से अपने सबसे हम आग्रह करना चाहब। अपने अमूल्य समय दिलिए, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूरन जी, अपने समय दिलिए और हमरा इनवाइट के लिए यहाँ अपने स्टूडियो में, और बड़ा हमरा खुशी लागल। और अंत में फिर से बितलाबा दसैं, आई के धनतेरस, कल के दिवाली, आवा वाला छठ तथा सामा चकेबा के ढेर सारे शुभकामना और उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करैत करै छी। धन्यवाद दर्शकवृन्द। ई छलखिन शम्भुनाथ, इंजीनियर शम्भुनाथ शाहजी, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर तीन में प्रतिनिधि सभा, जनमत पार्टी के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार, पेशा से इंजीनियर छथिन आ जनमत पार्टी में गैर आवासीय मधेशी संघ के अंतर्राष्ट्रीय संस्था छै, ओकर पूर्व अध्यक्ष छथिन वा कही अध्यक्ष भ के सेहो अपन काज केने छथिन, विदेश के सेहो अनुभव ई रखने छथिन, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर तीन में अखन उम्मीदवार भ के काज कर रहल छथिन। अहिना विशेष प्रसंग पर कार्यक्रम अपन विशेष में विशेष व्यक्तित्वक संग दोसर श्रृंखला में भेटघाट हेतै, अखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहै छी, बहुत बहुत धन्यवाद।